हेलो दोस्तों, कामत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लाई हूँ जो कि हमारे यहाँ बनाया जाता है बिहार साइड में। दोस्तों, इसे जूतिया पे बनाते हैं, जूतिया का व्रत रखते हैं, तो इसे खाकर व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग इस साग को खा के जूतिया का पारण भी करते हैं। अगर आपके यहाँ ये साग मिलता है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बनाना तो बहुत आसान है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मुझे ये साग मिला है तो मैं सोची कि क्यों ना ये रेसिपी आप सबके लिए लाया जाए। तो दोस्तों, नोनी के साग में बहुत मिट्टी होता है, तो इसे अच्छे से आप 3 से 4 बार सबसे पहले धोना साग को, ताकि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 बार साग को अच्छे से धोया है और साग को धोने के बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो दोस्तों, देखने से तो साग बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन गल के ये बहुत थोड़ा होता है और खाने में जैसे हम ग्रीन चटनी खाते हैं ना, बस वैसा ही लगता है। अगर आपके यहाँ मिलता है ना दोस्तों, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। साग को हमने कढ़ाई में डाल दिया है, ढक के 4 से 5 मिनट इसे लो फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 4 से 5 मिनट हो चुका है, साग हमारा देखिए कितना सारा था और सॉफ्ट होके कितना सा हुआ है। अभी ये और गलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने साग को मिला लिया है, ताकि जो अलट पलट दिया है, ताकि जो है ना हमारा साग तले में चिपके नहीं। तो अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो दोस्तों, नमक हमें पहले नहीं ऐड करना, क्योंकि साग की क्वांटिटी पहले बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पहले नमक डाल दोगे ना, तो उस हिसाब से साग में नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो जब आप साग बॉईल हो जाए ना, तभी नमक डालना। तो अब हमने साग को मिक्स कर दिया है, इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हमने साग में नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। अब नमक को अच्छे से साग में मिक्स कर देते हैं। जैसे ही नमक साग में मिक्स होगा दोस्तों, साग देखना अपने आप पानी छोड़ देगा। जो भी साग में पानी है ना, वो छूट जाएगा। तो बस साग में से हमें पानी सूखने तक ही पकाना है, क्योंकि पहले हमने साग को अच्छे से ढक के पका लिया है 3 से 4 मिनट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, साग में नमक मिल चुका है और पानी देखिए इसमें से छूटने लगा है। तो गैस का फ्लेम हम यहाँ पे हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे ही साग को अच्छे से पानी सूखने तक पका लेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गया है और देखने से ही पता चल रहा है, जो साग में पानी था ना, वो लगभग सूख चुका है। बस 1 से 2 मिनट और पकाना है, गैस का फ्लेम हाई रख के लगातार चलाते हुए अच्छे से मिला लेते हैं, ताकि जो साग है ना, वो अच्छे से मिल जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा साग अच्छे से बॉयल हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने साग को निकाल लिया है प्लेट में। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में नोनी का साग बहुत टेस्टी बनता है, तो दोस्तों आप सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच जितना सरसों का तेल डाला है, और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और डाल देंगे कटा हुआ लहसुन। तो साग में लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन डालना, अगर आपको लहसुन का फ्लेवर पसंद है तो। साथ ही इसमें स्वाद के अनुसार कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 8 से 10 हरी मिर्च को बारीक काटा था, वही डाल दिया है। और एक बड़े साइज़ के प्याज को हमने इस तरीके से काट लिया था, वो भी हमने डाल दिया है। तीनों ही चीज़ों को अच्छे से लगातार चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लेंगे। सुनहरा होने तक हमें प्याज को अच्छे से भूनना है दोस्तों। कुछ ही देर में देखेंगे कि प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, सारी चीज़ें भून जाएगी। तो ये देखिए, देखने से ही पता चल रहा है, जो प्याज है ना, वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसमें अब हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से दोस्तों कलर बहुत अच्छा आता है, तो आप हल्दी पाउडर जरूर डालना। हल्दी डाल के हम मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। तो यहाँ पे देखिए, हल्दी को भी हमने कुछ सेकेंड भून लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं नोनी का साग, जो हमने पहले बॉयल करके रखा है। तो दोस्तों, हमने साग को डाल दिया है, और साग को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि साग हमारा पहले से ही बॉयल है। तो इसे हमें बस 1 से 2 मिनट सारी चीज़ों के साथ भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने 1 से 2 मिनट साग को अच्छे से प्याज लहसुन के साथ भून लिया है।
तो यहाँ पे दोस्तों देखने से ही पता चल रहा है जो हमारा सुपर टेस्टी साग है ना वो तैयार है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे फटाफट से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ जो हमारा साग है ना वो देखने में भी कितना लाजवाब लग रहा है। तो अगर आपके यहाँ ये नूनी का साग मिलता है दोस्तों तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों। आप इस साग को बार बार बना के खाओगे, ये खाने में इतना टेस्टी लगता है। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो यूज़फुल लगी है, नूनी का साग बनाने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिलियों में शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।